थाना सदर क्षेत्र के शहीद नगर में पाकिस्तानी झंडा फहराने के विवाद पर हिंदूवादी नेताओं का गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही न होने को लेकर बड़े आंदोलन और झंडा फहराने वाली बिल्डिंग को तोड़ने का भी ऐलान कर डाला। थाना सदर क्षेत्र के शाहिद नगर में पाकिस्तान का झंडा फहराने का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सोमवार को हिंदूवादी संगठनों और व्यापारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बाजार बंद कर विरोध जताया। घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, खासकर तब जब आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय व्यापारियों और हिंदूवादी नेताओं ने इस घटना के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पारेषर और योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने सक्रिय भाग लिया। अजय तोमर ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि अगर अगले दो दिनों के भीतर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे उस इमारत को गिराने के लिए आंदोलन करेंगे जहाँ पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने इस मामले में जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए तो हम खुद उस इमारत को तोड़ देंगे। यह राष्ट्र विरोधी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सकते हैं कि यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है और पूरी तरह से अगर बात की जाए तो मार्केट है वो बंद कर दिया है और जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये कह सकते हैं कि हिंदूवादी जो संगठन के लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यानी पूरी तरह से जो तिरंगा झंडा है लहराकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यानी यहाँ पर जो हिंदूवादी संगठन के नेता हैं उनसे बात करेंगे, किस तरह का आज आश्वासन मिला है एसीपी साहब? एसीपी साहब ने दिया है हमें दो दिन का आश्वासन। अगर दो दिन में इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पर देशद्रोह की धारा है अंकित नहीं हुई और इसकी मार्केट पर सील नहीं हुई और जिन पुलिस वालों ने इसको बचाया है उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन 24 घंटे के बाद होगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद आगरा प्रशासन की होगी। ये हम शांत बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान का झंडा फहरा था सब व्यापारियों के मोबाइलों पर पहुंचे थे, इससे आक्रोश हुआ। सारे व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करे कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद बाजार बंद हुआ, इसके बाद सीओ साहब आए, सीओ साहब ने आश्वासन दो दिन का दिया है, अगर दो दिन में कार्रवाई नहीं हुई इसके खिलाफ तो अब की बार इतना बुरा आंदोलन होगा कि प्रशासन पे झेले नहीं झेलेगा। अजय तोमर के साथ शाहिद नगर और राजपुर चुंगी के व्यापारियों ने भी इस विरोध का समर्थन किया और इसमें हिस्सा लिया। बाजारों को बंद कर दिया गया और व्यापारी वर्ग ने आरोपी के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि यह घटना न केवल राष्ट्र की एकता और अखंडता पर हमला है बल्कि इलाके की शांति को भी भंग करने की साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो वे बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देंगे और बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। 12 वफात वाले दिन कुछ पाकिस्तान के समर्थकों ने, उन लोगों ने यहाँ अपने घर की छत पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया था, जिसके विरोध में अपने बजरंग दल के नेता बंटी ठाकुर जी, जिन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। प्रशासन ने इसमें अभी तक लापरवाही बरती, एक तो मुकदमे में देशद्रोह की धारा नहीं बढ़ाई गई। प्रशासन कह रहा है कि झंडा पाकिस्तान का नहीं था, अगर झंडा पाकिस्तान का नहीं था तो वो हटाया क्यों गया? पाकिस्तान का नहीं था तो वो तो लगा रहने देते, कोई बुराई नहीं थी तो हटाया गया तो पाकिस्तान का था। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, देशद्रोह की धारा नहीं बढ़ाई गई। आज जो राजपुर चुंगी बाजार बंद बुलाया था, परसों बैठक हुई थी, 24 घंटे का अल्टीमेटम व्यापारियों ने दिया था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार को बंद किया जाएगा। आज उसी क्रम में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हमें बाजार बंद बुलाना पड़ा। सभी हिंदूवादी संगठनों ने, व्यापारियों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। मौके पर संबंधित अधिकारी आए, उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हमें दो दिन का समय दिया है कि हम कार्रवाई उसमें करेंगे। अगर दो दिन बाद कार्रवाई नहीं करती है तो व्यापारियों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। नेताओं और व्यापारियों ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के बाद से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उनका आरोप है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर इस मामले को नजरअंदाज कर रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अजय तोमर और अन्य नेताओं ने ऐलान किया कि अगर प्रशासन अगले 48 घंटों के भीतर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस और प्रशासन का कहना है कि मामले की जाँच चल रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यहाँ पर पूरी कोशिश करी जा रही है कि लोगों को समझाने की अगर बात की जाए तो हमारे साथ नहीं यहाँ पर एसीपी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे कि किस तरह की अनुसूची से देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पूरी तरह से अगर बात की जाए भारत माता की जयकारे के नजर में सर जिस तरह से अगर बात की जाए व्यापारी पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं अपना यानी कि जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी डिमांड हो वगैरह तो सत्यों का सत्यापन करने के बाद ही तथ्य हो गए कि उसका सत्यापन करने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। जो कुछ है वो अपनी सारी एक भारतीय होने के नाते प्रेरित हो चुके हैं, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार के इसमें कोई भी बात सामने आती है तथ्यों के आधार पर कि उसमें विदेशी मुल्क का यानी कि झंडे का इस्तेमाल किया गया होगा तो उसमें कार्रवाई होगी, अगर नहीं किया होगा तो उसी बात को भी हिंदू यानी कि जो भाई है यहाँ पे इनको समझाया, इस बात को उनके सामने रखा जाएगा। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी विवेचना की जो इनसे यानी कि इनको पता नहीं होगी या फिर इनका उनके समाधान नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसी बात पे यानी कि हम विश्वास रखते हैं और इसी आधार पे हम कार्रवाई करवाएंगे। एसीपी विनायक भोसले ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि कानून के तहत उचित कदम उठाए जाएंगे। पाकिस्तान का झंडा फहराने की इस घटना ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है, लोगों के बीच डर और आक्रोश है और वे प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों और हिंदूवादी संगठनों का आंदोलन यदि अगले कुछ दिनों में शांत नहीं हुआ तो यह बड़ा रूप ले सकता है जिससे शहर की शांति और व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।